आप दुनिया के हर ब्रांड का हर सप्लीमेंट्स ले लीजिए, मैस गेनर से लेकर क्रिएटिन तक, आप मसल बिल्डिंग कभी नहीं कर पाएंगे अगर आपकी डाइट में ये नहीं है। हाय गाइस, दिस इज आयुष कुमार। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने जिम ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्लान किया था। 6 मंथ्स में 8% बॉडी फैट, फरवरी से मैंने स्टार्ट किया था। ये थी मेरी पिक्चर, और 2.5 महीने के बाद मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी। इसे देखकर बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी बॉडी इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिल्ड मसल फास्ट। जो भी टिप्स बताऊंगा दोस्तों, उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो भी टिप्स बताता हूँ ना, वो बाकी लोगों से अलग होता है और इफेक्टिव भी होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे फॉलोअर्स बोलते हैं। थैंक यू फॉलोअर्स। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला टिप है चेक योर वर्कआउट टाइम, यानी आप कितनी देर वर्कआउट कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिम में, 1 साल 1.5 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन बॉडी में मसल में कोई ग्रोथ ही नहीं है। जब देखता हूं तो देखते एक सेट किया, उसके बाद लग जाते हैं बातचीत करने, 5 मिनट बर्बाद कर दिया, फिर जाते हैं सेकेंड सेट करने। तो इस तरह करने से थोड़ी होगा, आपके मसल में जो टेंशन बना था वो तो खत्म हो गया, आपका मसल तो रिलैक्स हो गया, फिर मसल ग्रो कैसे करेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, हर एक्सरसाइजेस के 3 सेट परफॉर्म करिए। पहले सेट करने के बाद आपको गैप लेना है 30 सेकेंड, फिर दूसरे सेट करना है और उसके बाद गैप लेना है 45 सेकेंड, उसके बाद फिर तीसरे सेट में जाना है, और तीसरे सेट के बाद 2 से 3 मिनट गैप लेकर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर जाइएगा। कोई जरूरत नहीं है 2.5 से 3 घंटा वर्कआउट करने की। डेली मैक्स 11 से 12 एक्सरसाइज करिए विथ 3 सेट्स ईच। जैसे मान लीजिए आज आपका चेस्ट एंड ट्राइसेप डे है, तो कुछ एक्सरसाइज चेस्ट के रखिए, कुछ एक्सरसाइज ट्राइसेप के रखिए, और कुछ एक्सरसाइज ऐसे भी रखिए जिससे कि दोनों टारगेट हो जाए। एग्जाम्पल डायमंड पुशअप्स, चेस्ट भी टारगेट होगा और ट्राइसेप भी। आपका टोटल वर्कआउट टाइम होना चाहिए 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट, दैट्स इट। अगर इस लिमिट को एक्सीड करते हैं तो फिर बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन। हाई कॉर्टिसोल मीन्स लो टेस्टोस्टेरोन, एंड लो टेस्टोस्टेरोन मीन्स लेस मसल मास। ओके, यानी दोस्तों 11-12 एक्सरसाइजेज आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करने हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए टाइम आपका ओवर हो गया और एक्सरसाइज कुछ बचा रह गया, तो बीच में ही छोड़ के चले जाइए, और एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत ज्यादा स्पीड वर्कआउट भी नहीं करना है कि आपको टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं करना है कि मसल मैं टारगेट कर लूंगा अच्छे से, लेकिन फिर क्या होगा, आपका टाइम ओवर हो जाएगा। आपको करना है मीडियम स्पीड से वर्कआउट करना है, ओके, ताकि सब कुछ हो पाए, मसल भी अच्छे से टारगेट हो और आपका सही टाइम में, राइट टाइम में कंप्लीट भी हो जाए टोटल वर्कआउट। ओके दोस्तों, जब हम घर पे वर्कआउट करते हैं विदाउट इक्विपमेंट्स, तो हम ये सब बातें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज हम कम परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब आप जिम में जाते हैं तो नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान, पूरा टाइम एक्सरसाइज में ही दें, टाइम पास ना करें, और जल्द से जल्द अपने वर्कआउट को कंप्लीट करें। नंबर 2, चेक योर स्लीप। दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। पता नहीं किस महान शख्सियत ने कह दिया है कि मसल बिल्डिंग करने के लिए आपको 8 घंटा सोना ही पड़ेगा। तो इसे सुनकर बहुत से मेरे भाई ऐसे भी होंगे कि जिनकी नींद 8 घंटे से पहले खुल जाती होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि उनसे कहा गया है कि 8 घंटे सोना है, तो वो जबरदस्ती बेड पे पड़े रहते हैं, 8 घंटे के बाद ही उठते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, मैं हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कर रहा था जिम में, और मैं सिर्फ 6 घंटे सोता था, और फिर भी मेरी मसल दिन पर दिन ग्रो कर रही थी, और मैं दिन में एनर्जेटिक भी रहता था। जब आपको नींद नहीं आ रही है, आप जबरदस्ती सो रहे हैं ना, आपको नुकसान होगा। जब आप उठेंगे ना, तो आप ड्राउजी ड्राउजी फील करेंगे, थके थके लगेंगे, आपको कुछ करने का भी मन नहीं करेगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको 6 घंटे सोने के लिए बोलूंगा, नहीं। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, सबकी अपनी अपनी बॉडी है, और आप अपनी बॉडी को बेहतर जानते हैं, तो आप चेक करें कि कितने नींद में आपका काम हो जा रहा है, कितने नींद में आप फिट लग रहे हैं, एनर्जेटिक लग रहे हैं, तो उतना ही नींद आप लें। बाकी नींद किसी को कम क्यों लगता है, किसी को ज्यादा क्यों लगता है, ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम बात किसी दूसरे वीडियोज में करेंगे। नंबर 3, चेक योर रेप्स, यानी एक सेट में आप कितना रेपिटेशन लगा रहे हैं। जनरली मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट रेप रेंज होता है 12, 10 और 8।
पहले सेट में आपको 12 रिपीटेशन लगाना है, दूसरे सेट में आपको 10 रिपीटेशन लगाना है, साथ में पहले सेट में आपने जितना वेट लिया उससे एक वेट ज्यादा लेना है सेकंड सेट में, और थर्ड सेट में आपको 8 रेप्स लगाने हैं, और साथ में सेकंड सेट में जितना वेट लिया उससे एक वेट इसमें ज्यादा लेना है। इसे मसल हाइपरट्रॉफी रेप रेंज भी कहते हैं। ये काम मत करिएगा दोस्तों कि आप सेम रेप रेंज जिंदगी भर लगाए जा रहे हैं, नहीं, आपको 3-3 मंथ्स में चेंज करना है। मान लीजिए अभी आप 12-10-8 लगा रहे हैं तो 3 महीने बाद आपको चेंज करके 6-5-3 पे आ जाना है, जो कि मसल स्ट्रेंथ रेप रेंज है। इस रेप रेंज में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट उठाइए अपने बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से। 1 महीने तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद आप फिर से हाइपरट्रॉफी पे आ जाएंगे 3 मंथ्स के लिए, और फिर 3 महीने के बाद आप रेप रेंज को चेंज करके आ जाएंगे 15-12-10, जो कि मसल एंड्योरेंस को ज्यादा टारगेट करता है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी आप 1 महीने तक करेंगे, उसके बाद फिर से 3 महीने के लिए हाइपरट्रॉफी पे आ जाएंगे, फिर 1 महीने के लिए मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके बाद फिर 3 महीने हाइपरट्रॉफी, फिर 1 महीने एंड्योरेंस। इसी तरह दोस्तों आपको चेंज करते रहना है। अगर आपका बॉडी एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में अडेप्ट कर जाएगा ना, तो फिर वो और ग्रो नहीं करेगा। तो ये सब चीजों पे भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है मसल जल्दी ग्रो करने के लिए। और ध्यान रखिएगा कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप अपने सेट्स के बीच में रेस्ट ज्यादा लें, क्योंकि आप भारी वेट उठा रहे हैं ना। हाइपरट्रॉफी में मैंने क्या बताया था, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट तक, इसमें आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट तक एक एक सेट के बाद। और मसल एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आपको रेस्ट लेना है 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, क्योंकि इसमें आप लाइट वेट उठाएंगे। ओके, और आखिरी बात, जितना भी रेप्स आप कर रहे हैं आप उतना ही वेट उठाएं कि आपका रेप्स कंप्लीट होने के बाद आपके अंदर एक एक्स्ट्रा रेप मारने की भी एनर्जी ना बचे। अगर आपको लगता है कि आपने रेप्स कंप्लीट कर लिया अभी भी आपके अंदर एनर्जी है, तो इसका मतलब आपको वेट बढ़ाने की जरूरत है। ओके, नंबर 4, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसे शॉर्ट में कवर करेंगे दोस्तों। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि प्रोग्रेसिवली आपको अपने वेट को बढ़ाते जाना है। जैसे मान लीजिए आज आप इतना वेट उठा रहे हैं, तो 1-2 हफ्ते तक आप इतना वेट उठाइए, उसके बाद 3rd वीक से आप एक वेट बढ़ा दीजिए, उसके बाद फिर 2 हफ्ते के बाद आप फिर से एक वेट और बढ़ा दीजिए। मतलब आप अपने बॉडी को सेम वेट पे अडेप्ट मत करने दीजिए। अपने बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस आपको बढ़ाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं मसल ग्रो करना, नहीं तो क्या होगा, उस वेट में अगर बॉडी अडेप्ट कर गया तो आपका उतना ही मसल दिखेगा जितना उस वेट में दिख रहा है। आपने थोड़ा सा बढ़ाया तो बॉडी मजबूर हो जाएगी और ज्यादा ग्रो करने के लिए। ठीक है, नंबर 5, लास्ट, ईट योर फूड। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैंने ईट योर डाइट नहीं कहा है, क्या कहा है, ईट योर फूड। क्योंकि जब हम डाइट की बात करते हैं तो उसमें फूड के साथ साथ सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं, तो मैंने कहा है सिर्फ फूड, यानी खाना। खाना आपको अच्छे से ज्यादा करके खाना है। दोस्तों मैंने देखा है बहुत लोगों को दूसरे बॉडी बिल्डर के वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं कि 6 मंथ्स में पॉसिबल नहीं है, स्टेरॉइड्स दिया है, मैं 2 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, मेरी बॉडी नहीं बन रही है नेचुरली। और जब पूछो डाइट के बारे में तो पता चलता है कि आधा से ज्यादा सप्लीमेंट्स भर रखा है उन्होंने। खाना जो बॉडी बिल्डिंग के पहले खाते थे उससे सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ा है, बाकी सब सप्लीमेंट्स भर लिया है। दोस्तों आप दुनिया के हर ब्रांड का हर सप्लीमेंट्स ले लीजिए, मैस गेनर से लेकर क्रिएटिन तक, आप मसल बिल्डिंग कभी नहीं कर पाएंगे अगर आपके डाइट में ये नहीं है, और वो है खाना, फूड। इतना तो हर कोई जानता है दोस्तों कि बिना सप्लीमेंट्स के आप बॉडी बना सकते हैं, लेकिन क्या बिना खाने के आप बॉडी बना सकते हैं? नहीं। तो अच्छे से खाना खाइए, 2-3 साल बल्क करिए और बॉडी बनाइए, उसके बाद जब कट करेंगे ना तब आप देखेंगे आपके मसल का साइज कितना ज्यादा और अच्छा हो जाएगा, आपके मसल्स में कितने अच्छे कटिंग दिखेंगे। जनरली जो भी सप्लीमेंट्स है हमें उसकी जरूरत तब पड़ती है ना जब हम कटिंग करते हैं, या फिर हम कहीं बाहर गए, हमें ठीक से खाना खाने का मौका मिला नहीं और उस दिन हमें जिम भी जाना है, तो हमने उस डाइट में जो भी चीज से कमी थी उसकी कमी को हमने सप्लीमेंट से पूरा कर लिया। बाकी नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो कटिंग के वक्त भी हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन वेज में तो लीन प्रोटीन ऐसे ही है, चिकन ब्रेस्ट है लीन प्रोटीन, एग वाइट्स है लीन प्रोटीन, और क्या चाहिए। कटिंग के दौरान हमें तो कार्बोहाइड्रेट्स कम करने की जरूरत पड़ती है, यानी हमें लीन प्रोटीन चाहिए, तो हमें तो नॉन वेज फूड से ऐसे ही मिल जा रहा है। अगर वेजिटेरियंस हैं तो सिर्फ कटिंग के वक्त ही सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे वे प्रोटीन, BCAAs, क्रिएटिन एक्सेट्रा। और बल्किंग के वक्त अच्छे से दूध पीजिए, दही खाइए, पनीर खाइए, और जो भी आप रेगुलरली खाते हैं जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, इन सब के अमाउंट को भी बढ़ा दीजिए। हो गया बल्किंग।
और जो वेगन्स हैं वो भी अपने रेगुलर खाने के अमाउंट को बढ़ा दें। लेकिन वेगन्स के लिए प्रॉब्लम ये है ना, वेगन फूड में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण पेट बहुत जल्दी भर जाता है, तो अपने कैलोरी इनटेक को वेगन्स कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आप क्या करें, जैसे मैंने बताया अपने रेगुलर खाना को बढ़ा दीजिए। अब जितना आपने बढ़ा दिया उसके बाद अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे, अब आपका पेट भर गया और आप नहीं बढ़ा सकते, तब आपको क्या करना है, लो फाइबर फूड्स को बढ़ाना है, जैसे बनाना, केला, टोफू, सोय मिल्क, पीनट्स, ये सभी चीज़ को आप अगर बढ़ाएं, देखेंगे आप भी बल्किंग कर पाएंगे। और वेगन्स को एक और प्रॉब्लम है, जिनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो वेगन फूड सिर्फ फूड खा के प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पाते, ऐसा उनका मानना है, तो वो एक टाइम सप्लीमेंट्स ऐड कर सकती है, या प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट। अगर नहीं भी करते तो भी वो बल्किंग कर पाएंगे, लेकिन इमरजेंसी के लिए आप ले लीजिए अगर बहुत ज़्यादा आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। ओके, और एक और सप्लीमेंट की बात करूंगा, मल्टी विटामिंस एंड मल्टी मिनरल्स, ये सब लोग खा सकते हैं क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लोग नहीं खाते कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज, तो आपके विटामिंस एंड मिनरल्स के डिफिशेंसी को ये सप्लीमेंट पूरा करेगा। जो लोग बल्किंग करके 2-3 साल ट्रेन करके फिर कटिंग करते हैं ना, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है। और जो लोग डाइट में चेंजेस कम करते हैं और सप्लीमेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो उनकी 2-3 साल में सिर्फ इतनी ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फिर यही लोग डिप्रेस हो जाते हैं, स्टेरॉइड्स लेने की सोचने लगते हैं। अगर नहीं तो दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस में जाके कमेंट्स करेंगे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, बोल देंगे कि ये नेचुरल नहीं है, इन्होंने स्टेरॉइड्स का यूज़ किया है, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाए ना। तो देख लीजिए, आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने डाइट ही नहीं ली थी, आप तो सिर्फ सप्लीमेंट्स खा रहे, डाइट का खा रहे। अब अगर कोई भी कमेंट करे कि सप्लीमेंट्स इसलिए लेता हूँ क्योंकि सस्ता पड़ता है, तो उनके लिए भाई साहब, बॉडी बिल्डिंग इज एन एक्सपेंसिव गेम, इतना तो आप जानते हैं ना। तो जहाँ ये वर्ड सस्ता लग गया ना, वहाँ बॉडी नहीं बना सकते, फिजिक बना सकते हैं आप। मैंने भी बनाई थी, नो जिम नो सप्लीमेंट्स वेगन डाइट्स में, देखिए। लेकिन ये बॉडी वैसी नहीं है जिसे आप सभी अपने सपने में देखते हैं, तो इसीलिए डाइट को ज़्यादा महत्व दीजिए कंपेयर टू सप्लीमेंट्स। जब कटिंग करेंगे तब सप्लीमेंट्स ऐड करेंगे, पहले बल्किंग करके अच्छे से बॉडी बनाई 2-3-4 साल, उसके बाद कट करिए, तब देखेंगे आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट बन जाएगी। तो दोस्तों, इन 5 टिप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो सिर्फ 4-5 महीने में आपको अपने बॉडी में चेंजेस नजर आएगी। ओके, सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।